ये बोकारो जिला का जैताड़ा गांव है। यही वो गांव है जहां लीलू हीरो पटेल बावरी जी को गोली मारा गया था और उनकी जो है कि प्रतिमा यहां पे बनी हुई है। और कहा जाता है दोस्तों कि अत्याचार, जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध जब ये लोग आवाज़ उठा रहे थे तो यहीं के ज़मींदार सामंतवाद, आप कह सकते हैं, उनके विरुद्ध आ जाते हैं। और इन लोगों का घर भी कहाँ पे रहे मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए लीलू हीरो पटेल बावरी, इन्होंने जो बलिदान दिया है, ये बलिदान सिर्फ बावरी समाज के लिए नहीं है, ये बलिदान तमाम उन समाज के लिए हैं जिनको कभी जमींदार, जिनको कभी सामंतवाद ने उनके साथ अत्याचार किया, उनको जुल्म का शिकार बनाया, उनको मानसिक गुलाम बनाया। और उन्हीं का ये, उन्हीं के अत्याचार के विरुद्ध का ये प्रतीक हम आपको दिखा रहे हैं। और इस गांव में ये जो 1 नवंबर 1978 को इन लोगों को जो है कि यहाँ गोली मार दिया गया था, और आज लगभग कितना साल हो रहा है दादा? 45 वर्ष। आप उनका क्या है? लीलू जी का पोता। लीलू जी का पोता है जी। आपको लगता है कि आपका दादू ने एक पूरे समाज के लिए संदेश दिया? जी बिल्कुल, ये लगता है कि वो अपने समाज के लिए एक बड़ा बलिदान दे के गया है, जो हमारे समाज को आगे ले जाने के क्रम, सिर्फ बावरी समाज को ही आगे लेकर जाएंगे, हर समाज को ये बताया जा रहा है कि अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, अपने आप को किसी के सामने मतलब कुछ दिखाना नहीं है, लेकिन अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है। तो ये लीलू जी का पोता जी हैं जो अपने दादा, इनके दादा ने गोली खाई थी अत्याचार के विरुद्ध। मैं एआर बोकार भी, चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, इनका घर भी दिखाता हूँ, जहाँ अपना बेटा के साथ में, 6 साल का बेटा के साथ में किस तरह दिवाली की तैयारी कर रहे थे। अमावस्या रात था, माँ बोली कि से हम लोग सोए हुए थे, पुलिस वाला आया उठाया, तो पिताजी पूछे कहे के लिए आप लोग आए हैं, हम लोग जो टाइम दिए हैं आपको कि दिवाली के बाद आप मीटिंग होगा और सबके सामने होगा, मुखिया सामने, आप लोगों को नहीं आना चाहिए, नहीं चलो अभी अभी मुखिया जी बुला रहे हैं। सब गांव वाला जग गया, सब अपना साथ आने लगा। जब आने लगा तो ये पुलिस लोग अपना पोजीशन ले चुका था। अच्छा, पीपल का पेड़ में कुछ लोग था। माँ बोला कहाँ से आके पूरा जबरदस्ती गर्दन पर अपना पेड़ लगा पिताजी का, पिताजी खड़ा हो गया, सावल का रेड था 5 फुट का, पिताजी लकीर मार दिया, अगर बचना है तो इस लकीर को पार मत करो, तुम लोग चला जाओ, कल सुबह हम लोग अपने हाजिर होंगे। मैं घचिचते हुए ले गया और यहाँ पर 2 गोली मारा, जाके पिताजी पीपल पर सामने खड़ा होकर धोती को खोल के पूरा बंद। ये बात आपकी माँ मत दे। तो ये बेटा है लीलू जी का, जो उस वक्त कितने 6 महीने का, उस वक्त 6 महीना का माँ की गोद पर था, और इनकी माता जी जो है इनको बता रहे। चलिए आपकी माता जी से बात करते हैं, आइए। ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं, और आज मैं उस शख्स का घर में बैठा हूँ जो हमेशा जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उन्होंने उठाई थी और अंत में शहीद भी हो गए, और उनकी पत्नी आज मेरे साथ हैं, उनका बेटा है, पोता जी भी है मेरे साथ में। आप बोलिए कि आप इस तरह का वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्यों इतना गड़ा मुर्दा को उठा रहे हैं? लेकिन इनकी शहादत आज उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो कभी शोषण या अत्याचार को बर्दाश्त किया है, मानसिक गुलाम हुआ है। अच्छा माता जी बताइए, लीलू जी आपके पति देव थे, आपका क्या नाम हुआ? बोबी, बोबी का। और ये कौन है आपका? का ये कौन है? लड़का है। तो इनको गोद में लेके आप जा रहे थे जब लीलू जी को पुलिस बुलाया था? पुलिस मारा रहा ना, तो कौन उसको हम लड़का का गोदी में लेके हमें इसको पकड़ा रहा। अच्छा। तो नहीं पकड़ा रहा है चला जाएगा, मुखिया के साथ में जाएगा, मुखिया के बोलने को
हम लोग को घर कहे आया कहे लो गए पुलिस में कहे आया तो हम लड़का हमारा गोदी में गोदी में था और इस बच्चा को फिर आपने परवरिश किया बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से बाबा ये दूठो लड़का पोसा ना बहुत कष्ट में बहुत कोई के पोसा। इनके पति को मार दिया गया गोली जो लीलू नाम था और लीलू के साथ में हीरू और पटल को भी गोली लगी और उनकी भी मौत हो गई लेकिन खास करके लीलू जी को अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हुई। उनके बाद में ये माताजी बड़ी मुश्किल से बाइज्जत परवरिश करते हुए इस अपने बेटा को मैट्रिक पास करवाया ना भैया मैट्रिक पास किया और उसके बाद में जो है कि आप अभी क्या कर रहे हैं बैंक में है बैंक में प्राइवेट जॉब में प्राइवेट जॉब क्या मिलता है दिहाड़ी आपको 400 रुपया डेली बताइए जब इस समाज को आरक्षण देती है सरकार तो यहीं के बड़े जात विरोध करते हैं कि SC ST को आरक्षण बंद करो। अरे भैया आप मुझे बताओ कि 100% सीट में जब 30% सीट को आरक्षित करती है सरकार और इन गरीबों को देती है जो कभी पढ़ लिख नहीं पाया 70% सीट कौन कब्जा कर रहा है सारे के सारे जो इस राज्य के नहीं हैं और उन पर आप लोग कब आवाज उठाइएगा बताइए। इस गरीब दलित को अगर आरक्षण नहीं देगा तो एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं होगा इतना आप जान लीजिए। 70% सीट का जो फायदा ले रहे हैं बताइए उसका फायदा कौन उठा रहा है उस सीट पे कौन बहाली हो रहा है। और ये लीलू जी की पत्नी बॉबी जी कितनी मेहनत कितनी मशक्कत की होगी इस बेटा के लिए और आज इस बेटा का इनकम मात्र 400 रुपया दिहाड़ी इसी में किसी तरह घर द्वार ये चला रहे हैं। बताइए इस कहानी के पीछे में हम किसको जिम्मेवार मानेंगे। इस कहानी के पीछे में आज तमाम उन समाज के उन लोगों का दर्द छुपा हुआ है जिनके हक अधिकार को छीना गया जिनको कभी पढ़ने का अधिकार नहीं मिला जिनको मानसिक गुलाम बनाया गया। आज शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपको हर प्लेटफॉर्म पे इज्जत देती है। बताइए दादा अगर आप मैट्रिक पास नहीं करते मर मर के जी जी के तो आपकी हालत क्या होती है। दे गमछी लेकर चार्ज जाना पड़ता है कोई लाली वाली साफ करके कुछ डेली वेजी कौन मरता डेली कमाते डेली खाते डेली कमाते डेली खाते 400 रुपया इनको बैंक में प्राइवेट जॉब मिला है। अभी माताजी आप खुश हैं कि लीलू जी का हीरू जी का पटेल जी का जो है कि आज शहादत दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1978 की बात है तब से आपने जो पीड़ा सहा बर्दाश्त किया कभी लोग आए बड़े बड़े नेता आपसे मिलने के लिए आए वही बड़ा बड़ा नेता आता है मिलता है तो कपड़ा देता है तो चादर देता है कुछ नहीं और कुछ नहीं देते एक तो कपड़ा एक तो चादर बस कोनो बच्चर कोनो बच्चर नहीं। आपका घर द्वार ठीक ठाक है ना हम तो देख रहे हैं मोटा मोटी ठीक ठाक लग रहा है। इंद्रावास है बाबा इंद्रावास मिला। तो ये दर्दनाक कहानी लीलू हीरू पटेल बावरी जिन्होंने हर समाज को एक संदेश दिया है ग्रामीण टीवी उनको दिल से नमन करती है सैल्यूट करती है और तमाम शोषितों से ये गुजारिश करती है कि आप भी पढ़ें आप भी लिखें और आप अपने संविधान के प्रति जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है उन्होंने कानून दिया है आपको उसके अधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए आपसे पर्सनली अपील करती है आपसे गुजारिश करती है कि आप भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएं और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं अपने समाज के लेकर आवाज़ उठाएं अपने जाति सत्ता को लेकर आवाज़ उठाएं क्योंकि आपका जाति आपका समाज कभी मानसिक गुलाम था और उस शिकार में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। चलिए माताजी आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।